नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए ले आए हैं बहुत ही मनोरंजक फिल्म जिसकी कहानी बेहद ही रोचक है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं द डेड द डैम्ड एंड द डार्कनेस के बारे में। फिल्म की शुरुआत ही दिल दहलाने वाली है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की फोटो देखकर एक मांस के बने कंकाल के हाथ से एक रिंग निकालता है और उसे अपने गले में लॉकेट के साथ पहन लेता है और फिर उस मांस के कंकाल को बर्नर में जला देता है और बची राख को एक बोतल में भरकर रख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि वो एक मास्क सूट पहनकर एक कंटेनर से बाहर निकल रहा है जहां पे ज़ॉम्बीज का कब्जा है। जी दोस्तों, सही सुना आपने, ज़ॉम्बीज। जो भी ज़ॉम्बी उसके सामने आता है वो उसे गोली मारकर उड़ा देता। कुछ टाइम बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं, किंतु हमारा हीरो मशीन गन का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। अगले सीन में एक माँ अपनी बच्ची एमा को घर छोड़कर जाने को कहती है। एमा के सवाल करने पर वो बिलखते हुए कहती है कि तुम्हें जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इसी बीच उनकी खिड़की पर एक ज़ॉम्बी दस्तखत देता है और एमा सहम जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, क्या वो पापा है? उसकी माँ कहती है, हाँ वो शरीर पापा की है, लेकिन अब वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो बीमार हो चुके हैं। वो ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसने को तैयार है। ये देखकर माँ एमा को कहती है कि जैसे ही वो दरवाजा खोले वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू करेंगे। एमा अपनी माँ को उसके साथ रुकने को कहती है, किंतु माँ नहीं मानती और एमा को बताती है कि इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसके पापा जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं थोड़ी ही देर में घर के अंदर घुस जाएंगे और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ ये भी बताती है कि पिछली बार उसके पिता ने उसको काट लिया था, यदि ऐसा दोबारा होता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगी। माँ एमा को उसके बचपन की याद दिलाती है, जब एमा दौड़ा करती थी और माँ उसको रुकने को कहती थी, पर आज माँ उसे रोकेगी नहीं, आज एमा को अपनी जिंदगी के लिए दौड़ना होगा। इन्हीं बातों के बीच ज़ॉम्बी घर में चुपके से घुस जाता है। माँ एमा को पीछे के दरवाजे से भगा देती है पर ज़ॉम्बी उसके पीछे चला जाता है। माँ एमा को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को एक पत्थर फेंक कर मारती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ और ज़ॉम्बी ने उसकी माँ को जमीन पर लेटाकर नीवस्त्र करके खा जाता है और ये सीन यहीं खत्म होता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अब एक महिला को चुपके चुपके बाकी ज़ॉम्बी से बचते हुए एक अन्य ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की जिस ज़ॉम्बी का पीछा कर रही होती है वो एक मॉल में घुस जाता है और लड़की उसे बाहर खड़ी होकर देख रही होती है। इसी बीच पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है और उसे अंदर जाने से रोकता है, किंतु शायद उस लड़की को सुनाई नहीं देता है। धीरे धीरे वो आदमी उस लड़की की ओर आगे बढ़ता और उसके कंधे पर हाथ रखता है। लड़की डर जाती है। वो आदमी उसे समझाता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर वो उसे वहां से ले जाता है। वो आदमी उस लड़की को एक शांत जगह ले जाके समझाता है कि ज़ॉम्बी के इर्द गिर्द घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जैसे हमें खाने की भूख लगती है वैसे ही ज़ॉम्बी को खून की भूख लगती है। किंतु वो लड़की उस आदमी को बीच में ही रोक के अपने गले में से एक बोर्ड निकाल कर दिखाता है जिस पे लिखा होता है कि मैं सुन नहीं सकती, इसलिए मुझसे बात करने के लिए मेरी तरफ देखकर क्लियर बोले। वो आदमी अपनी बात दोहराता है और उस लड़की को अपने साथ आने को कहता है। साथ आने की बात को लेकर उस लड़की के मन में उस आदमी के लिए शंका पैदा होता है। तब वो आदमी उसे समझाता है कि उसके घर पर उसकी बीवी और बहन है जिन्होंने अच्छा खाना बनाया है। ये कहकर वो उस लड़की को अपने घर बुलाता है और लड़की मान जाती है। घर की ओर बढ़ते हुए आदमी उस लड़की को बताता है कि उसके माँ जैसे सूप कोई नहीं बना सकता। वो लड़की एकदम से रुक जाती है और याद करती है कि पहले तो उस आदमी ने बीवी और बहन का जिक्र किया था। इस सवाल को वो लड़की उससे लिखकर पूछती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। इस पर वो आदमी उस लड़की को कहता है कि मेरी माँ भी जिंदा है और माँ को आवाज लगाता है और ऐसा दर्शाता है कि उसकी माँ ने वापस उसको जवाब दिया हो। यहाँ उस आदमी ने लड़की की ना सुन पाने की मजबूरी का फायदा उठाया है। वो घिनौना आदमी उस लड़की के साथ बदसलूकी कर उसे घसीटता हुआ अपने घर लेके जाता है और उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन वो चालाक लड़की उसे लिखकर ये कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे कपड़े मत फाड़ो क्योंकि मेरे पास इनके अलावा पहनने को कुछ नहीं बचा, मुझे मेरे जूते उतारने दो। वो आदमी मान जाता है और उसके शरीर को देखने लगता है। इसी बीच वो लड़की अपने जूतों में से चाकू निकालकर उस आदमी पर वार करने ही वाला होता है कि उस आदमी की निगाह उस पर पड़ जाती है और वो अपनी बंदूक निकालकर उस लड़की को डराना शुरू कर देता है।
वो उस लड़की को बेसमेंट में ले जाकर रस्सी से बांध देता है और कपड़े उतारना शुरू ही करता है कि पीछे से एक जॉम्बी आकर उस पर वार कर देता है और वो मासूम लड़की वहां से भाग जाती है। अगले सीन में लेफ्टिनेंट कर्नल सॉयर को दिखाया जाता है। ये वही इंसान है जो फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ कर्नल सॉयर एक ओशियन की ओर जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट को पास करना है, लेकिन पुलिस उन्हें जाने से रोक देती है ये कहकर कि आगे का इलाका क्वारंटीन है, अगर आप आगे जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। पुलिस वालों और कर्नल सॉयर के बीच बातचीत चल रही होती है कि एक जॉम्बी वहां आ जाता है, जिसे दो गोली मारकर पुलिस कर्मचारी मौत के घाट उतार देता है। सॉयर के लाख बोलने पर भी पुलिस वाले नहीं मानते और आखिरकार हार कर कर्नल को वहां से जाना ही पड़ता है। फिल्म में आगे उसी लड़की को एक जॉम्बी के हाथ से बंदूक खींचते हुए दिखाते हैं, लेकिन किंतु पीछे से एक जॉम्बी आके उस पे वार कर देता है, पर किसी तरह वो लड़की एक बार फिर वहां से जान बचाकर भाग जाती है और एक क्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। आगे कर्नल को ओशन तक जाने के अलग रास्ते पर जाते हुए दिखाते हैं, जहां उन्हें एक दूसरे पुलिसकर्मी मिलते हैं। कर्नल उस पुलिसकर्मी को दो खाने की स्टिक्स देते हैं, जिसके बदले वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पुलिसकर्मी कर्नल सॉयर से उसकी माँ, जो कि अब जॉम्बी बन चुकी है, उसको मारने को कहती है। कर्नल ओशन की तरफ बढ़ जाते हैं और उन्हें वो मासूम लड़की दिखती है जो क्रेन पे लटकी हुई है और उसके नीचे एक जॉम्बी खड़ा है। कर्नल उस लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी की ओर रुक करते हैं, वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर जॉम्बीज ने हमला बोल दिया है। इसी कारण उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी बीच उन्हें एक विल्सन नाम का आदमी मिलता है, जो एक जॉम्बी को गड्ढे में पकड़कर जॉम्बी के बारे में स्टडी कर रहा है। कर्नल विल्सन और वो लड़की रात को खाना खा रहे होते हैं, तब विल्सन बताता है कि जो लोग नए नए जॉम्बी बने हैं वो तेज भाग सकते हैं और वो भूखे भी होते हैं, किंतु जो जॉम्बी बूढ़े हो जाते हैं उन्हें चकमा देना आसान होता है। विल्सन साथ ही ये भी बताते हैं कि पास ही एक डैम है और वो काफी सुरक्षित जगह है, क्योंकि वे जॉम्बीज सीमेंट की बनी उन दीवारों को क्रॉस करने में असक्षम है, यानी कि वो उन दीवारों को पार नहीं कर सकते। कर्नल इस विचार की सराहना यानी कि बड़ाई करते हैं, लेकिन वे विल्सन और लड़की को कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, मुझे ओशन जाना है। विल्सन कर्नल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बात पर अडिग कर्नल नहीं मानते और ओशन का रास्ता पूछते हैं। विल्सन और सॉयर रात को बैठ के शराब पी रहे होते हैं, तभी कर्नल की बोतल जिसमें उन्होंने राख भरी थी उसे देखकर विल्सन सवाल करता है कि क्या इसमें पानी है। कर्नल थोड़ा रुक कर बोलते हैं कि जब आउटब्रेक हुआ था तब मिलिट्री ने अच्छे हथियार और सुरक्षा कवच दिए, लेकिन फिर भी कर्नल अपने परिवार को बचा ना पाए। कर्नल आगे अपनी आप बीती सुनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके परिवार को ओशन देखना था, पर कर्नल हमेशा अपनी पत्नी की बात टालते रहे। जब कर्नल अपने घर वापस गए तब उन्हें उनके घर में सिर्फ खून मिला था और उनके बच्चे और पत्नी की बॉडी, जो कि पूरी तरह से जॉम्बीज ने खा रखी थी, वो उन्हें मिला था। इसलिए कर्नल उनकी राख को ओशन के पास दफनाना चाहते हैं। विल्सन भी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसीज बेचा करता था। दोनों बातें करके लौट रहे होते हैं कि उन्हें उस लड़की का बोर्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है कि मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ। फिल्म में आगे लड़की को मॉल में जाते हुए दिखाते हैं, जिसे वो सामने से चेन बांधकर बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रही है। वो लड़की सुन नहीं सकती, इसी वजह से उसे एक जॉम्बी की आवाज सुनाई नहीं देती है। वो जॉम्बी एक महिला है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा ले रखा है। लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है और वो महिला जॉम्बी उसे ढूंढ रही होती है। लड़की अपने साथ कुछ अन्य कपड़े लेकर मॉल के जमीन पर उन कपड़ों का बिस्तर बनाकर लेट जाती है। महिला जॉम्बी अपने हाथ में अपना बच्चा लिए अभी भी उस लड़की की तलाश कर रही है। वो पुकार रही होती है, किंतु वो लड़की कुछ सुन नहीं सकती है। आखिरकार वो जॉम्बी उस लड़की को खोज लेती है, किंतु वो लड़की उसे मारकर वहां से बाहर की ओर भागने में कामयाब हो जाती है। भागते भागते उसी बीच रास्ते में कर्नल और विल्सन मिल जाते हैं और अगली सुबह वो तीनों ओशन की ओर रुख करते हैं। ओशन पर पहुंचकर कर्नल सॉयर उनके बच्चों की राख को ओशन के पास बीच पर गिराकर खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और विल्सन और स्टेफनी के पास वापस चले जाते हैं। अब स्टेफनी, विल्सन और कर्नल सॉयर वहां फंसे लोगों की जान बचाने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते वक्त कर्नल को उनकी बेटी मिलती है, जिसको एक महिला ने अपने पास सुरक्षित रखा था। अपनी बेटी को जिंदा देख वो अत्यंत खुश हो जाते हैं।
इसके बाद दिखाया जाता है कि वो महिला जिसने कर्नल की बेटी को सुरक्षित रखा, वो विल्सन को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट बताते हैं कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए विश्व की आबादी को मिटाना होगा, जिसमें अफ्रीका के लोग पहले मारे गए क्योंकि वहां से केवल गरीबी ही आती है विश्व भर में। प्रेसिडेंट ये भी बताते हैं कि ये इन्फेक्शन फैला कैसे। दशकों पहले हमारे वैज्ञानिकों को गोल्ड माइनर्स के रिमेन्स मिले जिनकी मृत्यु 1860 के प्लेग में हो गई थी। ऐसा करते वक्त उन्हें एक मोटर भी मिला जिसमें से अजीब सी हरे रंग की रेडिएशन निकल रही थी। जब उन वैज्ञानिकों ने उस मोटर को हथौड़ा मार के तोड़ा तो उसमें से जहरीली गैस निकली जिससे लोग जॉम्बी में बदलने लगे और लोगों को मारने लगे, और ऐसे धीरे धीरे एक एक करके जॉम्बी बनने लगे और वो वायरस हर जगह फैल गया। हालांकि पहले इस आपदा को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अभी हाल ही में हमने निर्णय लिया कि जॉम्बीज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, किंतु इस बार हमसे ये वायरस कंट्रोल नहीं हुआ। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि यदि कोई बचता है और ये देखता है तो कृपया मेरी गलतियों से सीख लें। अपनी स्पीच खत्म करते ही प्रेसिडेंट खुद को गोली मार लेते हैं। इसके बाद वो महिला विल्सन को कर्नल के विरुद्ध भड़काती है, किंतु विल्सन उसकी बातों में नहीं आता। कर्नल अपनी बेटी के साथ उस रूम में आ जाते हैं और विल्सन और उस महिला को आश्वासन देते हैं कि वे उनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वो महिला कर्नल को एक सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में बताती है जिसके जरिए वो लोग भागने में कामयाब रहे थे। इसके बाद कर्नल डैम के एरिया को सुरक्षित करने में जुट जाते हैं और एक के बाद एक जॉम्बी को मार गिराते हैं। आखिरी सीन में कर्नल अपनी बेटी को ओशन दिखाते हुए नजर आते हैं। उनके साथ स्टेफनी भी होती है। इसी के साथ फिल्म का समापन होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जल्द लौटेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।